हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 10, जो कि एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भय। तो इससे पूर्व हमने दूसरी बुक पीयूष प्रवाह पढ़ी थी, उसके 6 लेसन थे। 6 के 6 लेसन हमने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान अपने कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है कि आपने उन 6 लेसनों को बढ़िया तरीके से लर्न किया होगा। आज हम सृजन बुक शुरू करते हैं, जिसका गद्य भाग हम शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला लेसन है गद्य खंड का भय, और जिसके राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसने परिचय में दे रखा है, लेखक के परिचय में, कि उनका जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ, जो कि एक गलत आंकड़ा दे रखा है इसने। और ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोने पे मैंने लिखा है, इनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 में और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हुई। तो ये आंकड़ा थोड़ा सही कर लेना। जन्म सन 1884 और मृत्यु 1941, ध्यान रहे। गद्य खंड और पद्य खंड में से लेखक परिचय या कवि परिचय में से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इस सृजन बुक के जितने भी लेसन हैं उनमें कवि परिचय और लेखक परिचय आप बढ़िया तरीके से याद करोगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट के आधार पर इसमें से क्वेश्चन आता है। एक किसी एक कवि या लेखक का परिचय या दोनों का ही पूछ सकता है। ये 4 अंक का प्रश्न आता है आपके एनुअल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान। तो ध्यान रखना, जन्म 1884 और मृत्यु 1941, आपको तिथि याद रहे ना रहे, परंतु सन आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। अगर तिथि याद है तो और भी बढ़िया बात है। तो जीवन, जन्म और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं इसको। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट, यानी कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, ऊंचे दर्जे के गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली और तुलसी साहित्य आदि अनेक ग्रंथों का, विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया, यानी कि ये ग्रंथ संपादित किए उन्होंने। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे।
वे मूलतः क्या थे, आलोचक और विचारक थे भी। 1904 ईस्वी से उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादंबिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग एक व दो प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखना, वे मुख्यतः आलोचक और विचारक थे, और आगे जो दे रखा है 1904 ईस्वी से उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादंबिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे, यानी कि बहुत अच्छे निबंध उन्होंने लिखे हैं। और प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग एक और चिंतामणि भाग दो में प्रकाशित हुआ। और इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि चिंतामणि भाग एक पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक या पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि बहुत अच्छा लेखन करते थे। आगे है उत्साह करुणा क्रोध श्रद्धा भक्ति लज्जा और गलानी लोभ और प्रीति घृणा भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत, यानी कि बड़ा विशेष सामंजस्य तालमेल कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, यानी कि मन और बुद्धि दोनों का बड़ा ही अच्छा तालमेल वो बिठाते हैं और रचना करते हैं। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार, यानी कि आचरण और उनके व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। तो कितनी बढ़िया बात कह रहा है कि ये जो इन्होंने निबंध लिखे हैं और इन निबंधों को लिखने में उन्होंने अपने मन और बुद्धि का अद्भुत बड़ा विशेष सामंजस्य दिखाई देता है उनका, यानी कि बड़ा ही अच्छा तालमेल मन और बुद्धि का उन्होंने बनाया और अपने निबंधों को लिखा। और इसी निबंधों के आधार पे के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक यानी कि संसार की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार, उनके आचरण और उनके व्यवहार तथा अनेक अनेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की, यानी कि लोगों के मन में की व्याख्या की हुई है, यानी कि इस परिस्थितियों में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं और सभी की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग आचार व्यवहार है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लोगों के मनों की व्याख्या की है, मन की व्यथा को प्रकट किया है। आगे है सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं, यानी कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, ये चीज़ें अनवरत चलती रहती हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख तो कभी दुख। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन, मानव का जीवन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है और यही प्रवृत्तियाँ, यही आदतें हैं
जो मनुष्य के जीवन को क्या करती है, गतिशील बनाती है, उसको आगे बढ़ाती है। तो ये है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय। पुनः फिर बता देता हूँ, जो आपकी बुक में आंकड़ा दे रखा है वो थोड़ा गलत है। जन्म इनका 1884 और मृत्यु 1941। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार, हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ, और विविध ग्रंथ का उन्होंने संपादन किया। उनमें हैं हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे, और उनके निबंध हैं वो सरस्वती और आनंद कदम्बिनी प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं, और जो प्रौढ़ निबंध हैं उनके, उनका संग्रह चिंतामणि भाग एक और चिंतामणि भाग दो प्रकाशित हुआ, और चिंतामणि भाग एक पर ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, यानी कि मंगला प्रसाद पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। किस पे? चिंतामणि भाग एक पर। और इन्होंने अपनी मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाते हुए रचनाएं की हैं। तो इन निबंधों का माध्यम शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचरण और उसके व्यवहार तथा जीवन के अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है, और सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती है। जीवन, मनुष्य के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उसे गतिशील बनाती है, आगे बढ़ाती रहती है। अब नेक्स्ट है पाठ परिचय। पाठ परिचय। भय नामक मनोविकार, मन का विकार या मन का दोष, आदमी के मन का, मन में दोष पैदा होना, विकार पैदा होना, मन का मैला होना, मन में विकार आना, दुखात्मक संवर्ग का भाग है। यानी कि जो मन के विकार हैं, जो व्यक्ति के दुख का भाव है, दुखी करता है इन चीज, ये चीज़ें मनुष्य को, मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार हैं, मूल प्रवृत्ति हैं। अर्थात मनुष्य जीवन में हमने जन्म लिया है, मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है, प्राणी जगत की सत्ता है, और इसमें सुख और दुख ये मूल आधार हैं, मुख्य नींवें हैं ये, और यही मूल प्रवृत्ति है। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था लेखक परिचय में कि सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी ही सूक्ष्मता से, बड़ी ही बारीकी से और विशद्धता, यानी कि बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़े शुद्ध तरीके से स्पष्ट किया है, जिस पर अपना वश न हो, अपना नियंत्रण न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट, कोई अनहोनी होना अपने साथ, भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। क्या भय की डेफिनेशन क्या दी है? भय की डेफिनेशन इन्होंने दी है जिस पर अपना वश नहीं हो, जिस पर अपना नियंत्रण नहीं हो, ऐसे कारण से, ऐसी वजह से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से। यानी कि हमें पता है कि ये परिस्थितियाँ, ये दुख हमारे जीवन में आने वाला है, और भावी अनिष्ट, कोई अनहोनी हमारे साथ होने वाली है, तो इस प्रकार के निश्चय से, निश्चित है कि ये होगा, दुख होता है, तो इस प्रकार से जो दुख होता है
उसे हम भय कहते हैं, उसे हम क्या डेफिनेशन देते हैं, उसे क्या परिभाषा देते, उसे क्या संज्ञा देते हैं, उसे हम दुख की संज्ञा देते, भय की संज्ञा देते हैं। छोटे बालक जिसमें यह निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, मति नहीं होती, उसकी बुद्धि इतना काम नहीं करती, भय कुछ भी नहीं होता। छोटे बच्चों के लिए भय कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार हम सर्प को देख के डर जाते हैं तो वो हमारा भय है, परंतु छोटे बच्चे में इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं है, यानी कि वो उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, इतना विकास उसकी बुद्धि ने नहीं किया है कि वह अच्छे बुरे की पहचान कर सके। क्योंकि हमें तो इस चीज़ का आभास हो जाता है कि सर्प जहरीला हो सकता है, अगर हमें काटेगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि ये हमारे लिए एक प्रकार का भय है। परंतु छोटे बालकों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सर्प के बारे में जानते ही नहीं है, सांप के बारे में जानते नहीं हैं कि ये काटेगा और इसमें जहर होता है और हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो उनमें किसी प्रकार का भय नहीं होता। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता, जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारिणी दुखदायिनी बातों का पता देने लगती है, तब हमारा अंतःकरण, हमारा मन भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, यानी कि कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चलता, हम दुखी नहीं होते, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार भावियां मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं, यानी कि जो हमारे मन में भाव उठते हैं या जो हमारे मन के विकार हैं, दोष हैं, ये मानव जीवन के प्रेरक होते हैं, मानव जीवन को प्रेरित करने वाले होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है, लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की जो सिद्धि होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की, शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। क्या कह रहे हैं, शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की, वरन लोक व्यवहार में इस संसार में जो व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, सुखी होना इसके लिए हम प्रयत्न लगातार करते रहते हैं और साध्य भी है, वैसे ही निर्भय रहना भी, वैसे ही निर्भय रहना, निर्भीक रहना, निडर रहना, इस आवश्यकता से हम, इस जरूरत से हम बच नहीं सकते। तो आगे है ये मूल पाठ, तो मूल पाठ को हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया गया है उसको आप बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे और साथ ही साथ भय पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, इसको विस्तृत रूप से लिखोगे और साथ ही साथ इसको आप लर्न भी करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स
इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।